चमोली में जनता की समस्याओं और शिकायतों के लिए जिला अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता की 30 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का जिला अधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। इस दौरान बहुउद्देशीय शिविर में लगे विभागीय स्टॉलों के माध्यम से 520 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर में सड़क, शिक्षा, विद्युत, सामाजिक पेंशन, पीएम आवास, भूमि का मुआवजा सहित क्षतिग्रस्त मार्ग और आर्थिक सहायता से जुड़े मुद्दे उठाए गए। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। हमारे विभाग हैं जिनके स्टॉल लगे हुए हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि स्टॉल में जो भी सुविधाएं हमें आपको दी जा रही हैं, आपके लिए हैं, उसका लाभ लें। लोगों से मेरा ये भी है कि अगर कोई कुछ सुझाव है तो वो भी दें कि कैसे इस व्यवस्था को हम बेटर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक नया एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया है कि जो स्वास्थ्य विभाग के शिविर है, स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल है, उसके माध्यम से हम आज से शुरुआत कर रहे हैं और पूरे जनपद में हम ऐसे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे। जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है, अभी 13 तारीख से 15 तारीख आयोजित होना है। तो जैसे जिस उत्साह के साथ सबने हाथ खड़ा किया है, हाँ किया है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि हरमनी गांव अलग से दिखना चाहिए। अगर कोई ड्रोन फुटेज गए तो दिखना चाहिए कि यहाँ पर सबके घर में झंडे लगे हुए हैं। वैसे तो सबके घर में ही लगने हैं, लेकिन यहाँ एक भी बंदा मिस नहीं होना चाहिए। मेरी सभी से ये आशा है, सभी से मेरा अनुरोध है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हरमनी गाँव में कशोली विकास खंड में बहुजन शिविर का आयोजन किया गया। समस्या में जिला स्तरीय अधिकारियों ने स्टॉल की स्थापना करी और जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनके द्वारा तकरीबन 30 शिकायतें दर्ज की गई। अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और ये भी निर्देशित किया गया कि आगामी 15 दिन में इसकी समीक्षा की जाएगी कि जो निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन किया गया है या नहीं किया गया।